शहनाज, क्या हुआ था, पूरा बात बताओ क्या हुआ था आपके साथ। पहले हमारे साथ में ये हुआ, जब हमारे भैया थे जे लोग भागे, जब ये लड़की भागी ही, इन लोगों ने इसकी अम्मा ने जो कही थी, हमने इन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी लड़की है तुम्हारी, उसे रोक लो, फिर बाद में कहोगे बदनामी होगी तुम लोगों की। और इनको भी सबको बताया हमने, तब इनने क्या काम करा कि सबूत दो हमें, सबूत क्या है। हाँ। हमारी लड़की को वो खाली इल्ज़ाम लगा रहे तुम जे बात की। तभी लड़की इनने कही थी, इसकी अम्मा ने इसके बाप ने, कि लड़की को मार के टैंक में डाल दे रहे हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे रहे हैं, इन लोगों के सबके सामने नाम रिपोर्ट लिखवा दे रहे हैं। तभी उसने क्या काम करा, लड़की ने सुन ली, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली, तभी ये लड़की अपनी जान बचा के भागी वहाँ से। तभी ये एक दिन पहले भागी, भैया हमारे घर थे, तब उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी, तब भैया हमारे भागे घर से। हाँ, तभी इन लोगों ने, हम सब घर पे नहीं थे, और इसकी इनकी लौंडियाँ ने और इनने सब ने लोगों ने मिल के हमारे बाप को फांसी लगा के मार दिया, इनने जान से फांसी लगा के मार दिया, फांसी लगा के इनने। कब की घटना है ये? है तीन महीना पहले, लगभग 5 महीना हो गए। तो जो लड़की को भगा के लेके गए थे, वो आपके कौन? वो भैया आए, हमसे बड़े हैं। और लड़की आपके रिश्ते में कौन लगती है? वो लगती है उन मामा भांजी हैं। मामा भांजी का तो ये पुराना विवाद है। हाँ, पुरानी बात है ना, पारों से तलवारों से मारा है सबको। आज जो ये जो घटना हुई है आप लोगों के संग, तो ये किस चीज से बार किया गया है, किस बात को लेकर? तलवारें मारी हैं इन लोगों ने, 5 लोगों ने इनने। अच्छा। जितने हमारे घर में थे, जिस सब लोग आ गए हैं तलवारें लेके, हमारे घर में कोई लेटा था कोई बैठा था, सब एकदम इनने काटते ही चले गए। देखो ना इनने की कौन है कौन नहीं, डायरेक्ट काटते चले गए 5 लोग जो हमारे घर में घुस के। तभी तो हम सबको काट दिया इनने, हमारे 2 भैये और वो सबकी बहुत गंभीर हालत है, वो बरेली में। मैं क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताओ सर। हम घर में थे, ये लोग हमें जहाँ देखते थे गाली देने लगते थे, कोई घर से बाहर निकलता उसे भी गाली देने लगते थे, कहते तुम्हें जान से मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको खान देंगे। फिर सर हम लोग किसी से बोल, इनसे किसी से नहीं बोलते थे सर, हमें गाली देते रहते, हम सुनते रहते, बर्दाश्त करते रहते। सर आज इन लोगों ने हद कर दी, हम घर में थे, सारे लोग खाना खा रहे थे, मैं छत पे थी, मैं छत पे से नीचे आई, सारे तलवार लेके और तमंचा लेके और फौड़े लेके आ गए, सबको खान दिया। अच्छा, गाली किस वजह से देते थे, कोई वजह रही होगी? सर ये दरअसल मेरे रिश्तेदार थे सर। अच्छा। और हमारी कोर्ट मैरिज हो जाने की वजह से ये लोग मुझसे चिड़न में रहते थे, सर मुझसे जरते थे और गाली देते थे। आपने कोर्ट मैरिज, लव मैरिज शादी की थी? हाँ सर। अच्छा, कब की थी? सर 3 महीने पहले। 3 महीने पहले की थी सर। अच्छा, तो उसी बात करके? हाँ सर। अच्छा, तो अभी आप लोगों की तरफ से कितने? सर मैं अपने घर से भागी थी, मेरी मेरी अम्मा जो मेरी मम्मी, वो मुझे जान से मार देना चाहती थी, कह रही वो उसने लैट्रिन का टैंक खोल लिया था मुझे जान से मारने के लिए, उसमें दफनाने के लिए। तभी सर मैं जान छुड़ा के अपने घर से भागी थी। तो मैं 3 दिन जंगल में रहने के बाद 4th दिन मैंने लड़के को फ़ोन किया, तो मैं इस लड़के के साथ अपनी जान बचा के भागी। और बताया जाता है कि जो लड़का जिसके संग आपने लव मैरिज की है जी, वो आपको कौन लगता है रिलेशन में? सर रिलेशन में कोई नहीं, वो पड़ोसी। पड़ोसी है? हाँ सर, जो हमारे 9 साल के हैं उनके पड़ोसी। अच्छा अच्छा, कितनी? तो 3 महीने पहले आप भागी थी जी सर। अब आप कब रह रही थी घर पर, कब आई थी? हम यहाँ पर हमें हो गए 2 महीने। 2 महीने से कोई विवाद था? सर वैसे तो हर जी लोग हमेशा विवाद करते हैं सर, मुझे गाली देते हैं, इन लोगों को भी गाली देते हैं, कहते हैं तुझे जान से मार देंगे, काट के फेंक देंगे तुझे। तो अब 2 महीने बाद जब आप आई, तो मायके में रह रही थी या ससुराल में? हम ससुराल में रह रहे थे। ससुराल में से कोई आपको परेशानी थी? नहीं सर, हमारे ससुराल में से हमें कोई परेशानी। आज की कैसे बात आ गई कि सर इन लोगों से परेशानी है ना? अच्छा, ससुराल वालों से कोई परेशानी नहीं है, जो पड़ोसी हैं इनके उनमें से परेशानी है मुझे। ये आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? ये रिश्ते में नाना मामा। सर मुझे जान से मारना चाहती थी मेरी मॉम, तभी मैं घर से भागी।